हेलो एवरीवन वेलकम टू मोटर ऑक्टेन क्या हाल चाल है आपके लास्ट टाइम हमने आपके लिए काइगर का रिव्यू लाए थे और तभी आपने कहा था कि लोअर वेरिएंट्स के बारे में भी हमें बताइए तो इस वजह से आज हम आपके लिए राय हैं काइगर का आरएक्स एल वेरियंट पे वीडियो और ये वीडियो इन तक देखिए जो भी डाउट्स है सब क्लैरिफाई हो जाएंगे हम आए हैं रेनो उन्नति जो पुणे में बेस्ड है उनका नंबर नीचे दिया हुआ है अगर आपको परचेज करनी है एक रेनो काइगर तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद दैम नंबर नीचे ही दिया हुआ है अब शुरू करते हैं विद द डिज़ाइन ऑफ द कार अब ये सेकेंड बेस मॉडल है आर एक्स सी आता है आर एक्स एल आता है आर एक्स एल फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल है अगर आप इसका डिज़ाइन देखते हैं तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है आपको मैं क्लोज से दिखाता हूँ एक बार गाड़ी आप देख लीजिए इसको वो सिमिलर ग्रिल आता है रेनो का टिपिकल जो फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है गाड़ी का यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया है हावेवर जो इसके हेडलैम्प है वहाँ पे चेंजेस किए गए पहले ऊपर तो आपको डे टाइम रनिंग एलईडी मिल जाता है तो सेकंड बेस मॉडल में भी डे टाइम रनिंग एलईडी आ रहा है आपको एंड अंडरनी नोटिस करूँगे तो आपको येलो बल्ब uh, आता है इसको लो बीम एंड हाई बीम दोनों के लिए आपको बल्ब ही दिया हुआ है यहाँ पे सो दिस इज वॉट द फ्रंट ऑफ द कार बेसिकली ऑफर्स जो नीचे बम्पर पार्ट है गाड़ी का वहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ इसको, and, yeah, है इसको एंड या प्लास्टिक है ऑफ कोर्स और कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है ऑन द फ्रंट ऑफ द कार जैसे ही हम साइड की तरफ जाएंगे गाड़ी की यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत कुछ मेजर नहीं चेंज हुआ है द फर्स्ट थिंग यू नोटिस कि जो uh, ये पार्ट है इधर आपको कुछ भी बैजिंग नहीं है ओके दिस इज़ वन सेकेंड आपको एलॉय व्हील नहीं आते सोलह इंच के व्हील्स हैं सेम साइज़ बट आलॉय नहीं है स्टील व्हील आता है आपको यहाँ पे और जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे आप पूरा एक बार पूरा साइड प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का आपको क्लियरली समझ में आएगा गाड़ी कैसे दिख रही है और तो गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक है बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है आपको रूफ रेल्स है ये फिक्स्ड वाले हैं इस पर कुछ वेट नहीं लगता है देख लीजिए दीज आर फिक्स्ड वंस कुछ नहीं वेट लगता है आपको शाक पे आती है एंड जो पीछे स्पॉइलर है वो लुक यहाँ पे भी बरकरार है ऑन दिस कार अब एक बार क्लियरली फुल वाइड में बैक देख लीजिए गाड़ी का आप नोटिस करोगे कि इसको डिज़ाइन uh, में पीछे से ज़्यादा पता नहीं चलेगा किसी को कि कौन सा वेरिएंट है इसके जो टेल लैम्प्स हैं उनकी लाइट का कलर भी एलईडी ही है एंड बेसिकली बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं है टेल लैम्प्स में बीच में रेनो की बड़ी सी बैजिंग दी हुई है अंडरनी आपके पास रिफ्लेक्टर दिया हुआ है साइड में यहाँ देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है एंड आपको बूट स्पेस में भी कुछ बदलाव नहीं है मोर ओवर अगर आपको इसका बूट एक्सेस करना है तो वही तरीका है बूट एक्सेस करने का इधर सेंटर से गाड़ी लॉक है सो सॉरी यहाँ से इसको अनलॉक करते हैं हम तो इसमें नॉर्मल चाबी आती है लॉक अनलॉक नॉर्मल की है ये नहीं तो वो जो कार्ड आता है वो इसमें नहीं आता है और ये बूट आपको यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है राधर देन इंटरनली मैन्यूल बूट स्पेस अच्छी खासी है गाड़ी की वो उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया सो यू कैन चेक दैट आउट देयर इट पर इसको 400 लीटर का बूट स्पेस आता है इफ़ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट साइज़ हाँ आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं ऑन द बैक अब ये कंपल्सरी नॉम uh, है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस वजह से आपको सेंसर्स uh, मिल जाते हैं यहाँ पे एट द बैक सो एक्सटीरियर में यही है एक काम करते हैं गाड़ी के अंदर जाते हैं बिल शो यू वॉट इज देयर ऑन ऑफर लेट्स गो अब गाड़ी के अंदर अगर हम जाके दिखाएं पहले रियर सीट पे जाते हैं हम यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी को जो स्पेस दी हुई है इनसाइड ओके okay? पहली चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको आमरेस नहीं आ रहा है यहाँ पे सो इट्स अ फिक्स्ड यूनिट यहाँ पे आपको दो फिक्स्ड हेड्रेस मिलते हैं तीन हेड्रेस नहीं दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर देख लीजिए दो हेड्रेस है और दोनों फिक्स्ड हैं ओके okay? और आप एक और एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है स्पेसिफिकली ये थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ है यानी कि जो बीच में बैठेगा थोड़ा उसको अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है पर अगर तीन लोग बैठ के जाते हैं तो उनके लिए बीच में स्पेसिफिकली यहाँ पे देखो ये फ्लैट फ्लोर दिया हुआ है फ्लोर एकदम फ्लैट है तो तीन लोग बैठ के जा सकते हैं उनके कंफर्ट और कन्वीनियंस को एनहैंस करने के लिए पीछे रियर एसी वेंड्स आते हैं एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है अब स्पेस कैसी है देखिए हमने स्पेस पे ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाया बट स्टिल फॉर यू मैं 6 फीट की हाइट है अगर आप चैनल पे पहले बार वीडियो देख रहे हो रूम जस्ट इतना नॉट लॉट नी रूम काफ़ी एडिक्वेट है देख लीजिए काफ़ी एडिक्वेट नी रूम यहाँ पे दिया हुआ है सो इन दैट केस हेड रूम एंड नी रूम अच्छा खासा है और तीन लोग अगर बैठ के जाएंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऑन द बैक सीट ऑफ द कार सो कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है इस पर कोई कंप्लेन नहीं है फ्रंट सीट्स पे जाके देखते क्या स्पेस दी गई है लेट्स गो तो फ्रंट सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी डोर का थर्ड इज डिसेंट बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइंग टाइप नहीं फील होता है और प्लास्टिक्स हार्ड ही है अक्रॉस द कार ओके इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर जब आप देखते हो यहाँ पे आपको uh, वो ट्राइबर या काइगर दोनों की थोड़ी बहुत याद आएगी काइगर का टॉप एंड जो है उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा है उसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन आता है यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्रीन uh, आता है इसमें आपको स्क्रीन भी नहीं है राधर टू डिन सिस्टम दिया हुआ है इसमें आपको ब्लूटूथ uh, कनेक्टिविटी आती है और इसमें टोटल चार स्पीकर्स दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर ये देखते हैं तो आपको नॉर्मल ए कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे और ये आपको जो काइगर ट्राइबर दोनों में आता है ये एलिमेंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है ये मटेरियल्स काफ़ी अच्छे हैं ये फिनिश इज़ गुड नीचे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग आएगा अगर आप वो ऑप्शनल पैक लेते हैं और अंडनीथ भी आपके पास स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह है तो आप इधर अपना फ़ोन रख सकते हो चश्मा रख सकते हो एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ दिया हुआ है अब स्टीयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल्स नहीं है आई विल जस्ट शो यू द होल स्टीयरिंग व्हील कुछ कुछ कंट्रोल्स नहीं दिए हुए इस पर इट्स अ सिंपल स्टीयरिंग व्हील जो आपको यहाँ मिल रहा है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप देखते हैं यहाँ पर आके तो ये सेम ट्राइबर वाला आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी में मिल रहा है क्लियरली देख लीजिए मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ देख लीजिए सेम वैसा ही रेनो ट्राइबर वाला ही इसको स्टीयरिंग व्हील आता है तो अगर आपको कुछ देखना है यहाँ पे कंट्रोल्स करने तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है जिससे आप यूज़ कर सकते हो दैट्स अबाउट इट उसके अलावा आपको कुछ नहीं है यहाँ पे आपके बाकी सब कुछ आता है ये आपका स्पीडोमीटर है ये आपका रेव बैंड है बेसिकली टैकोमीटर ये आपका बताता है फ्यूल कितना है एंड दिस शोज़ की आपका बेसिकली कितना यहाँ पे दिस आई जस्ट शो यू मोर क्लियरली देख लीजिए ये रहा आपका फ्यूल यहाँ पे और ये पैच दिखाता है आपका कितना टेम्परेचर है दिस इज योर ओडो ओडोमीटर नीचे आपके पास स्पीडोमीटर है ये आपका टैकोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ओके okay, उसके अलावा आपको आ, बेसिक सिस्टम है मैं बजा के एकदम बेसिक आ, है इसमें कुछ ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है काफ़ी सिंपलिस्टिक है आपके पास आगे यहाँ स्टोरेज है काफ़ी बड़ा स्टोरेज है पर इसमें ड्यूल नहीं आता है आपको वो हायर वेरियंट्स में ही आपको ड्यूल स्टोरेज आता है और ये आ, आपको एक और एक एलिमेंट दिखा दूँ इधर जो दिया हुआ है उसमें आपको एक फुल ट्रे आता है जो आप खोल बंद कर सकते हो यहाँ पर ये फिक्सड आता है ये यू नो मूवेबल नहीं है आपके जो ये मटीरियल दिया हुआ है दिस हैज़ आर्टिफिशियल लेदर ऑन दिस ये वाले एलिमेंट पे तो ये खुल जाता है पूरा और नीचे आपके पास स्टोरेज अच्छी खासी है बट द थिंग इज़ ये uh, बंद नहीं हो जाएगा आपका ये केस में इसका गियर लेवर देख लो जो एम है मैं ए का आपके लिए रिव्यू भी लाने वाला हूँ बहुत जल्द ऑन द टॉप एंड मॉडल तो बेसिकली चलने में तो एम सारे सेम ही रहेंगे तो ये ऐसा इसका एम टी गियर बॉक्स है इसमें रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव सारे चीज़ें दी हुई है और यहाँ पे आपको मोड्स तो कुछ नहीं आ रहे अगर आप देख रहे हो तो आपको वो स्पोर्ट इको वाले मोड्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं इसमें अब अगर मैं आपको फ्रंट सीट्स दिखाऊं तो वो कैसे लगती है लेट्स गो एंड सी द फ्रंट सीट्स ओके अब फ्रंट सीट दिखाते हैं देख लीजिए गाड़ी की फ्रंट सीट इस पे आपको लेदर वेदर कुछ नहीं मिलता है ऑफकोर्स लोअर ट्रिम है तो आपको यहाँ पे फैब्रिक दिया हुआ है दो टाइप के फैब्रिक्स आते हैं ये थोड़ा मटीरियल अलग है ये थोड़ा ज़्यादा फर्म मटीरियल है ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर मटेरियल है ये दोनों में ये डिफरेंस दिया गया है और ये मैंने आपको जैसे बताया दिस इज़ लेदरेट काइंड ऑफ फिनिश यहाँ पे तो ये मटेरियल पूरी गाड़ी में कहीं नहीं यूज़ किया गया एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट अब डोर की बात करते हैं जो इस गाड़ी के डोर्स आते हैं यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि डोर की क्वालिटी इज़ डिस नॉट वेरी हाई पर जो टचेज uh, दिए हुए हैं डोर पे जैसे uh, जो डोर हैंडल के पास आपको पैटर्न uh, दिया हुआ है जो ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है उससे ये थोड़ी ज्यादा अप मार्केट फील डेफिनेटली होगी पर इसके जो डोर लॉक्स है भले ही आप ये सेंटर से बंद खोल सकते हो पर इसके डोर लॉक्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे इन डिजाइन ऑल्सो तो इसका डोर लॉक अगर आप फिर से देखना चाहते हो कहाँ पे सेंट्रल डोर लॉकिंग तो यहाँ अगर गाड़ी के अंदर आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका डोर लॉक है और ये इसका हैजर्ड है तो इनके कंट्रोल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है इसमें कोई कंप्लेन नहीं है मेरी और ये रहे इसके ए सी कंट्रोल्स अगर आप टॉप एंड लेते हो या आप एक ऑप्शनल फीचर ले आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिल जाएगा ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे ये लोग ने स्लॉट्स बनाया फॉर हायर वेरिएंट्स। तो लोअर ट्रिम में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स जैसे फीचर भी नहीं उपलब्ध कराए गए हैं तो ये है हमारा आज का क्विक वीडियो वॉक अराउंड ऑफ द रेनो काइगर आर एक्स एल अब इसमें आप एएमटी ले लो टर्बो ले लो मैनुअल ले लो कोई भी या मैन्युअल टर्बो ले लो डजेंट मैटर फीचर्स आपको वही मिलने वाले हैं जो इसमें मिले हैं कलर आप कोई भी ले लो इंटीरियर का कलर यही रहने वाला है आपका अगर आपको काइगर का हमारा डिटेल्ड वीडियो देखना है जहाँ पे हमने काइगर मैन्यूल चलाई है आपके लिए नॉन टर्बो तो लिंक आई बटन में छोड़ रहा हूँ वहां जाके देख लीजिए एंड अगर आप कन्फ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बहुत सिंपल प्रोसेस है देखिए हमें व्हाट्सएप कीजिए एट सेवन नाइन वहाँ पे एक हाई लिखिए आपको ऑटो लिंक में बुक योर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे जाइए डिटेल्स भर दीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए आप मेरे साथ मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है विराट के साथ किसके साथ भी वन ऑन वन कॉल कर सकते हैं ताकि आपके जो कार बाइंग डाउट्स है ना वो क्लियरली क्लैरिफाई हो जाए और आप जो गाड़ी खरीदे वो गलत ना हो वो सही रहे सिंपल आपके लिए डिटेल्स ऑलरेडी बता दिया है, और इतना वीडियो देखा ना लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप ऐसा कंटेंट मिस कर रहे हैं रोजाना यू कैन इवन साइन अप फॉर आर अपडेट्स जो नंबर आपको व्हाट्सएप दिया है वहां पे एक और एक ऑप्शन रहेगा साइन अप फॉर अपडेट्स वहां पे जाके अगर आप अपडेट्स लेंगे तो आपको डेली और वीकली अपडेट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आएगा मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ दोस्तों टेक केयर लव यू गाइज